नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग वैक्यूम पंप के बारे में जानेंगे। वैक्यूम पंप क्या होता है, ये क्या काम करता है और क्या इससे हम लोगों को फायदा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ब्रेक बूस्टर पढ़े थे कि ब्रेक बूस्टर से ब्रेक पे असर होता है, वैसे ही ये वैक्यूम पंप भी है जो कि ब्रेक से ही जुड़ा रहता है और ब्रेक हार्ड होने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रेक अगर हार्ड है तो हो सकता है कि वैक्यूम पंप भी आपका खराब हो गया हो। ठीक है, फोटो आप देख लीजिए, ये वैक्यूम पंप कहलाता है, वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, फोटो फिगर आप लोग देख लिए। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं कि जब भी ब्रेक पैंडल हार्ड होता है तो सबसे ज्यादा समस्या वैक्यूम पंप से होता है। जब भी ब्रेक अगर हार्ड होगा तो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेगा तो वैक्यूम पंप से ही होता है। देखे ही है, छोटा सा है और ये भी खराब होता है, जिस कारण से सबसे ज्यादा समस्या यहीं से आता है। अगर ब्रेक पैंडल हार्ड होता है तो 90% खराब वैक्यूम पंप होता है। मतलब कि समझिए कि अगर हार्ड हो रहा है, नई गाड़ी है, मान लीजिए कि नई गाड़ी है और ब्रेक लगने में दिक्कत हो रहा है, ब्रेक पैंडल जो है वो हार्ड है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रेक ये वैक्यूम पंप जो है इसी के समस्या से पैंडल आपका जो है वो हार्ड है और 90% चांस ये होता है कि वैक्यूम पंप जो है वो खराब हो गया है। नई गाड़ियां में तो ऐसा नहीं होगा कि बूस्टर या फिर और भी चीज जो है समस्या या ऑयल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन चांस होगा कि आपका 90% चांस ये होगा कि वैक्यूम पंप जो है वो खराब होगा, इसी से समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं कि और क्या होता है। वैक्यूम पंप यह हेड के कैम में लगा होता है, कैम मतलब कैमशाफ्ट जो होता है उससे लगा होता है और कैम के साथ घूमकर ब्रेक को वैक्यूम कराता है, जैसे घूम के वैक्यूम बनाता है। और इसके साथ एक पाइप लगा होता है जो कि बूस्टर से जुड़ा होता है, ये भी बूस्टर से, वैक्यूम पंप जो है बूस्टर से ही जुड़ा होता है और ये जो कैमशाफ्ट जो घूमता है उससे ये वैक्यूम बनाता है और वैक्यूम बना के क्या कर वैक्यूम बनाता है और इसके साथ जो ये पाइप है बूस्टर इसमें लगा होता है, तो क्या होता है कि कई बार यह पाइप भी खराब हो जाता है जो इससे लगा हुआ है आपका वैक्यूम जो बना रहा है और बूस्टर में जो इस दोनों के कनेक्टिंग पाइप जो है, जो पाइप लगा हुआ है वो भी खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कम वैक्यूम बनाता है, जैसे एक लिमिट होगा कि इतना वैक्यूम बनेगा, उससे अगर कम वैक्यूम बनाएगा तो उससे भी ब्रेक पैंडल जो है वो हार्ड हो जाएगा और ब्रेक लगने में आपकी दिक्कत होगी, समस्या होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे भी वो ब्रेक हार्ड हो जाता है। तो मतलब वैक्यूम पंप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यह अगर वैक्यूम भी नहीं बनाएगा तो आपका बढ़िया से पैंडल काम नहीं करेगा, वो हार्ड हो जाएगा और ब्रेक लगने में समस्या उत्पन्न होगी। सबसे ज्यादा चांस होता है कि वैक्यूम पंप ही खराब होता है और वैक्यूम खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्रेक हार्ड होगा और आपका ब्रेक लगने में दिक्कत होगी। तो ये सब चीज जो है, ये सब एक ही नजर में समझने का बस काम है। अगर पूछ दे वैक्यूम पंप क्या काम करता है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ देता है कि वैक्यूम पंप क्या काम करता है तो एक शॉर्ट में ही आप जवाब दे सकते हैं कि वैक्यूम पंप, जैसे वैक्यूम ही कर आ रहा है तो ये वैक्यूम बनाता है, कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है और ये वैक्यूम बनाता है जो ब्रेक बूस्टर से लगा होता है। अगर ब्रेक बूस्टर मतलब वैक्यूम पंप जो है अगर वैक्यूम कम बनाएगा तो ब्रेक जाहिर सी बात है कि हार्ड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे आपका काम कर रहा है। ब्रेक बूस्टर में ही वो बोले, आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि ब्रेक बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ब्रेक से जो भी रिलेटेड चीज होगा वो सीधा बूस्टर में जाके कनेक्ट होगा। वैक्यूम पंप भी एक तरफ आपका कैमशाफ्ट में लग के घूम के वैक्यूम बना रहा है और दूसरा उसका पाइप
सीधा बूस्टर में जाके अटैच हो रहा है, वहां पे लग रहा है। तो वैक्यूम पंप समझ में आ गया होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ऐसा ही वीडियो बहुत सारा अपलोड हो गया है, आप लोग बहुत सारा वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि इस पे बनाइए इस पे बनाइए, बहुत सारा अपलोड हो गया। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियो प्रोफाइल चेक कीजिए, बहुत सारा वीडियो मुझे लगता है कि 80 से 90 वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूं, और आप लोग अभी तक पूरा वीडियो हमारा नहीं देखे हैं इसलिए कमेंट करते हैं। आप लोग उसको देखिए, समझिए और अपनी नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी फिजिकल जब तक नहीं होगा तो इंटरव्यू कैसे होगा। तो इंटरव्यू के लिए अभी बड़ी लंबा समय है, इसलिए आप लोग तैयारी पहले से करके रखिए। और फिजिकल तो लगभग सब लोगों का तैयार होगा, सब लोग बोरिंग फील कर रहे होंगे कि मैंने तैयार करके बैठा हुआ। और मेन है कि दौड़ने में भी असकत आप लोगों को होता होगा कि आप लोग नहीं, बहुत लोग प्रैक्टिस भी छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस पूरा कर लिए, दौड़ पूरा कर लिए हैं और छोड़ रहे हैं। बहुत सारे मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी डेट ही नहीं आए तो क्या दौड़ बना लिए हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें, कभी भी जारी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब सरकार की क्या नीति है ये तो नहीं पता है, लेकिन जब तक चुनाव का माहौल है अभी तो नहीं होगा, लेकिन क्या पता क्या हो। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।